जीवन जल्लोष में आपका स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपको नैना देवी बिलासपुर हिमाचल प्रदेश की यात्रा पर लेकर जा रहा हूँ। नैना देवी 51 शक्तिपीठ में से एक है, इसलिए नैना देवी का दर्शन अवश्य करना चाहिए। सती माता का आशीर्वाद पाकर आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां छा जाएगी। इस वीडियो को अंत तक देखें और नैना देवी माता के दर्शन का पुण्य पाइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना न भूलें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन अवश्य दबाएं। नैना देवी बिलासपुर कैसे जाए? पहला विकल्प, नैना देवी के निकटतम रेलवे स्टेशन आनंदपुर साहिब है जो पंजाब में स्थित है। आनंदपुर साहिब के लिए चुनिंदा शहरों से ही डायरेक्ट ट्रेनें चलती है। आनंदपुर साहिब से नैना देवी 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आनंदपुर साहिब बस स्टैंड से नैना देवी जाने के लिए बस मिल जाती है और बस स्टैंड के बाहर से टैक्सी भी मिल जाती है। आनंदपुर साहिब सिख धर्म के अमृतसर के बाद दूसरा पवित्र स्थल है। दूसरा विकल्प, अगर आपके शहर से आनंदपुर साहिब के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं है तो आपको चंडीगढ़ पहुंचना होगा। चंडीगढ़ के लिए सभी प्रमुख शहरों से ट्रेनें चलती हैं। चंडीगढ़ से नैना देवी 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चंडीगढ़ से नैना देवी जाने के लिए चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन के बाहर से टैक्सी मिल जाती है। अगर आप नैना देवी बस से जाना चाहते हो तो चंडीगढ़ के ISBT सेक्टर 43 बस स्टैंड से नैना देवी जाने के लिए बस भी मिल जाती है। आप पैसा बचाना चाहते हैं तो चंडीगढ़ से आनंदपुर साहिब के लिए दो पैसेंजर ट्रेनें भी चलती है जिसका किराया महज 25 रुपए है। नैना देवी और शक्तिपीठ के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए मेरी वेबसाइट देखें। नैना देवी में कहाँ रुके? नैना देवी में रात रुकने के लिए मंदिर ट्रस्ट के भक्त निवास बने हैं, मातृ आंचल भवन, मातृ शरण भवन और मातृ छाया भवन। भक्त निवास में एसी रूम का किराया 600 रुपए और नॉन एसी का 400 रुपया है। मंदिर ट्रस्ट की धर्मशाला भी है जिसमें मुफ्त में निवास कर सकते हैं। बहुत सारे प्राइवेट होटल भी बने हैं। मंदिर ट्रस्ट का लंगर भी है जिसमें सुबह का नाश्ता और भोजन फ्री में मिलता है। माता नैना देवी का नाम लेकर यात्रा की शुरुआत करते हैं। आनंदपुर साहिब से नैना देवी 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसमें से 8 किलोमीटर खतरनाक पहाड़ी रास्ता है। खतरनाक घुमावदार मोड़ वाले रास्ते से गुजर कर 1 से 1.5 घंटे में आप नैना देवी पहुंच जाएंगे। हम अभी नैना देवी पहुंच चुके हैं। ऊपर पहाड़ी पर नैना देवी मंदिर नजर आ रहा है। ऊपर नैना देवी मंदिर जाने के लिए आप सीढ़ियां चढ़कर भी जा सकते हैं या रोपवे से भी जा सकते हैं। रोपवे से जाने के लिए एक तरफ से जाने का टिकट 120 रुपया पड़ता है। आने और जाने का एक साथ लेने पर टिकट 180 पड़ता है। विकलांग के लिए मुक्त है। ऊपर नैना देवी जाने के लिए दो मार्ग बने हैं। बस स्टैंड की तरफ से जाने वाले मार्ग से जाएंगे तो लगभग 540 सीढ़ियां चढ़कर जाना पड़ेगा और कार पार्किंग के सामने के मार्ग से 200 तक सीढ़ियां चढ़कर जाना पड़ेगा। हम कार पार्किंग के सामने के मार्ग से पैदल सीढ़ियां चढ़कर जाएंगे। यहाँ से ऊपर माता के मंदिर जाने के रास्ते की शुरुआत होती है। यह हमें पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। बहुत सारे लोग रजिस्ट्रेशन के बिना ही ऊपर चले जाते हैं। नैना देवी माता का नाम लेकर चढ़ाई की शुरुआत करते हैं। इस मंदिर के बारे में कुछ बातें आपको बता दूं। माँ नैना देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला में शिवालिक पर्वत श्रृंखला में स्थित है। 91 शक्तिपीठ में से एक महत्वपूर्ण स्थल है जहां माता सती की आंखें गिरी थी। ऐसा माना जाता है कि इसकी स्थापना द्वापर युग में पांडवों के द्वारा की गई थी। हम अभी मंदिर के निकट पहुंच चुके हैं। इस जगह पर अपने जूते चप्पल रख देते हैं। ऊपर सामने ही मुख्य प्रवेश द्वार नजर आ रहा है। माता का नाम लेकर ऊपर प्रवेश द्वार की तरफ बढ़ते हैं। मंदिर का प्रवेश द्वार चांदी से बना है जिस पर देवताओं की सुंदर आकृतियां नक्काशित की गई है। कब से माता के दर्शन की आस लगी है। जल्दी से घंटी बजाकर मंदिर के भीतर प्रवेश करते हैं। भीतर प्रवेश करते ही सामने बड़ा पीपल का पेड़ नजर आ रहा है। यह माता का मुख्य मंदिर है। उसके सामने ही हवन कुंड बना है। ऊपर से मंदिर का दृश्य इस तरह दिखता है। पहले हम माता का दर्शन कर लेते हैं। यहाँ से दर्शन लाइन में लगते हैं। नवरात्रि में और खास त्योहार के दिनों में यहाँ श्रद्धालु की काफी भीड़ होती है। 4 से 5 घंटे दर्शन के लिए लग जाते हैं। आज ज्यादा भीड़ नहीं है इसलिए आधे घंटे का समय दर्शन के लिए लगेगा। हम मंदिर के प्रवेश द्वार के निकट पहुंच चुके हैं। प्रवेश द्वार के सामने ही माता का वाहन शेर की दो प्रतिमाएं दिख रही है। उनका पहले दर्शन कर लेते हैं। माता के वाहन के दर्शन के बाद हम मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते हैं। हमारी इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है। हमारे सामने साक्षात माता नैना देवी का अनोखा रूप है।
माता यह पिंडी के रूप में विराजमान है। गर्भगृह में तीन पिंडियां हैं। दाई तरफ माता की मुख्य प्रतिमा है जिसमें माता के दो नयनों को अंकित किया गया है। यही पिंडी माता नैना देवी की प्रतीक मानी जाती है। मध्य में माता दो नयनों के स्वरूप में विद्यमान है। बाई और भगवान गणेश जी की प्रतिमा स्थापित है। माता की आंखें सोने की बनी हुई है। हे आदि शक्ति माँ जगत जननी, जगत माता, करुणा दया की सागर, अति निर्मल हृदय वाली पार्वती माता, बड़ी आस लेकर तेरे दरबार में आए हैं हम सभी भक्तों का कल्याण कर। धरती पर मौजूद तेरे अनेकों रूपों का दर्शन करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो। जय माता दी। इस द्वार से हम बाहर आएंगे। हम अभी मंदिर की परिक्रमा करते हैं। पंजाब के साथ लगती सीमा के कारण यहाँ सबसे अधिक श्रद्धालु पंजाब के ही होते हैं। सामने ही हवन कुंड दिख रहा है। यहाँ लोग ग्रहों के शांति के लिए हवन करते हैं। यह प्राचीन हवन कुंड बहुत ही रहस्यमयी और चमत्कारिक है। इस प्राचीन हवन कुंड में दिन रात हवन चलता है, परंतु ये दुनिया का पहला ज्वलंत हवन कुंड है जिसमें जितना मर्जी हवन करते जाओ राख को बाहर नहीं निकालना पड़ता। धीरे धीरे सारी राख विभूति इसी में समा जाती है। हवन कुंड मात्र एक फुट गहरा है। इसकी राख कहाँ समा जाती है ये एक रहस्य ही है। कहा जाता है सिख गुरु गोविंद सिंह जी ने यह हवन किया था। माता का आशीर्वाद मिलने के बाद उन्होंने युद्ध में मुगलों को हरा दिया था। मंदिर परिसर के दूसरे स्थलों के दर्शन करते हैं। हवन कुंड के थोड़ा आगे यह छोटा मंदिर है। आगे से दर्शन करते हैं। इस मंदिर में गणेश जी और हनुमान जी स्थापित है। आइए दर्शन कर लेते हैं। नैना देवी मंदिर में पीपल का पेड़ भक्तों के लिए काफी महत्व रखता है। माना जाता है कि यह कई सदियों पुराना पेड़ है जो सभी की मनोकामना पूर्ण करता है। लोग बड़े भक्ति भाव से पूजा अर्चना करते हैं। पीपल के पेड़ के नीचे लक्ष्मी नारायण का मंदिर है। इस मंदिर के गर्भगृह में श्री विष्णु और लक्ष्मी माता की प्रतिमा स्थापित है। दर्शन कर लेते हैं। काल भैरव का मंदिर भी बना है, उनका भी दर्शन कर लेते हैं। ऊपर से बाहर का नजारा देखते हैं, बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। श्रावण के महीने में यहाँ की खूबसूरती देखने लायक होती है। इन्हीं शेड में से चढ़ाई कर हम ऊपर आए थे। ऊपर से ही गोविंद सागर तालाब नजर आ रहा है। माता के मंदिर के शिखर का दर्शन कर मंदिर के बाहर आ जाते हैं। मंदिर से नीचे 25 तीर्थ सीढ़ियां उतरने के बाद नजदीक ही नैना देवी माता की गुफा है, वहां हम दर्शन करने जाएंगे। नीचे कुछ सीढ़ियां उतर कर जाना होगा। यह गुफा 70 फुट लंबी है। गुफा का द्वार बहुत ही संकीर्ण है। गुफा के भीतर नीचे बैठकर प्रवेश करना पड़ता है। बहुत ही रोमांचकारी अनुभव है। गुफा के भीतर नैना देवी माता की प्रतिमा है। आइए दर्शन कर लेते हैं। नैना देवी से 20 किलोमीटर की दूरी पर भारत का प्रसिद्ध सबसे ऊंचाई पर बना भाखरा डैम है। आपके पास समय है तो अवश्य जाकर देखें। आनंदपुर साहिब गुरुद्वारा का दर्शन तो करना ही चाहिए। नैना देवी के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरी वेबसाइट पर जाकर अवश्य देखें। दोस्तों यहाँ हमारी नैना देवी यात्रा की समाप्ति होती है। आगे और मिलेंगे नए यादगार सफर में। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें, कमेंट जरूर करें। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल बटन को दबाना न भूलें।